हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नेक्सा से और आफ्टर मार्केट कौन सी एसेसरीज़ ये गाड़ी के लिए लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसेसरीज़ है डोर वाइज़र। ये डोर वाइज़र मैंने नेक्सा से लिया है। इसका लुक्स अच्छा है और बारिश के समय पानी को अंदर आने से ये प्रिवेंट करता है। तो ये डोर वाइज़र मुझे अच्छा लगा। ये नेक्सा से मुझे 1,090 रुपये का पड़ा है, तो मैंने इसको लिया है। ठीक है, सेकेंड जो एसेसरीज़ है वो ये नंबर प्लेट गार्निश है। ये जो आप ब्लैक कलर का इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये नंबर प्लेट गार्निश है। ये आपके नंबर प्लेट को कभी टूटने से बचाती है। कभी पीछे से किसी बाइक का अगर टक्कर वगैरह लग गया तो आपका नंबर प्लेट इजीली नहीं टूटता है, और नंबर प्लेट कभी कभी बेंड भी हो जाती है। तो ये जो इसका ऐसा ब्लैक कलर का इसको सराउंडिंग है, इसमें तो लुक्स अच्छा आता है। तो ये नंबर प्लेट गार्निश इसको बोलते हैं। 500 का ये नेक्सा में आपको मिलता है, वो मैंने लिया है। नेक्स्ट जो एसेसरीज है मैंने नेक्सा से लिया हुआ है वो ये सीट कवर है। ये सीट कवर काफ़ी प्रीमियम है, अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये समर में, क्योंकि लेदर है तो बहुत गर्म हो सकते हैं। तो अभी समर तो फेस नहीं किया है मैंने इस गाड़ी के साथ। तो ये है, पीछे आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे इसका एक ट्रायंगुलर शेप में डिज़ाइन है। ये जो सीट कवर है ये मुझे 7,400 के पड़े हैं नेक्सा से। अभी जो नेक्स्ट एसेसरीज है जो कि मुझे नेक्सा वालों ने फ्री दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फ्लोर मैट है। ये फ्लोर मैट उन्होंने मुझे फ्री में दिया है। और दूसरा ये स्टेयरिंग कवर, ब्लैक कलर का स्टेयरिंग कवर यहाँ पे उन्होंने मुझे लगा के दिया है। तो ये दो उन्होंने मुझे फ्री में दिया है। अभी इतनी एसेसरीज मैंने नेक्सा से लिए। बाकी जो छोटी छोटी एसेसरीज है जो कि हमें गाड़ी चलाते समय यूज़ होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला है आपका पोर्टेबल मैग्नेटिक, ये पोट्रोनिक का मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर है। इसमें ये यहाँ पे मैग्नेट दिया हुआ है और इस पे ये एक स्क्रू है, इससे हम इसका हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका जब भी झटका वगैरह लगता है गाड़ी को तो मोबाइल इससे गिरता नहीं है, क्योंकि और ये ऐसा 360 डिग्री रोटेटेबल होता है यहाँ से। इसके साथ एक दो प्लेट मिली थी, आयरन प्लेट, जो कि एडहेसिव गम उसमें लगा था। तो एक मैंने मेरे मोबाइल में वो प्लेट लगा दी है और दूसरी मेरे वाइफ के मोबाइल में वो प्लेट लगा दी है। जस्ट आपको इसको दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मोबाइल मेरा इसमें स्टैंड में लगा हुआ है तो अभी फ़िलहाल नहीं दिखा सकता। जस्ट इसको यहाँ पे ऐसा प्लेस कर देना है, वो अपने आप चिपक जाता है उसमें। तो ये एक बहुत अच्छा है। पहले जो हम स्प्रिंग वाले मोबाइल होल्डर लेते थे उसमें आपके गाड़ी को कहीं झटका लग गया, कहीं स्पीड ब्रेकर में वो मोबाइल गिर के नीचे आ जाता था, लेकिन इसमें आपका मोबाइल चिपका रहता है क्योंकि मैग्नेटिक है तो मोबाइल गिरता नहीं है। जस्ट आपका वो हिल सकता है मोबाइल, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो सकता है लेकिन गिरेगा नहीं। ये एक बहुत अच्छा है, अभी नया आया है। देन नेक्स्ट है ये बोट। बोट का फास्ट चार्जर है। इसमें दो विथ वायर केबल, ये USB सी टाइप का केबल मैंने इसके साथ लिया हुआ है। ये देखिए, ये 650 का मुझे पड़ा है। सॉरी, ये पोट्रोनिक का आपको प्राइस बताना भूल गया। अमेजोन से मैंने इसको 350 में लिया है और 350 रुपीज़ के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। इसका परफॉर्मेंस या फिर इस जो मोबाइल नहीं गिरता है वही एक बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है। और ये जो बोट का फास्ट चार्जर है ये 650 का लिया है। अमेजोन में प्राइस वेरी होती है, आप देख लेना। नेक्स्ट जो एसेसरीज है वो मैंने ये MI के स्टोर से लिया हुआ है, 2,500 रुपये का। ये एक सेफ्टी के लिए रखा है गाड़ी, अगर कभी पंच, इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। गाड़ी कभी पंचर हो जा होती है तो टायर में थोड़ी सी हवा भर के हम उसको पंचर की शॉप तक लेके जा सकते हैं, इसलिए मैंने उसको
और हैंडी है एकदम, देखिए यहीं पे फिट हो गया। और उसको कोई वायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका पूरा सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है चैनल पे, देख लेना आप। फिर नेक्स्ट है ये हैंगर क्लिप, ये छोटा सा हैंगर क्लिप है यहाँ पे, जो कि हेडरेस्ट के नीचे ये पूरा ऐसा रोटेट होता है। इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने जो अपना मारुति का वेबसाइट है वहाँ पे मैंने इंक्वायरी किया था, तो मारुति की जो एसेसरीज डिपार्टमेंट से मुझे फ़ोन आया था, फिर उन्होंने बोला कि ये क्लिप है। मैंने बोला ठीक है दे दो। तो ये ऐसा क्लिप है, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से ये हेडरेस्ट के अंदर फिक्स हो जाता है, और ये एक इसका अच्छा है। अभी ये इसमें स्प्रिंग दिया हुआ है, ये स्प्रिंग को आप एडजस्ट करके इसमें आप मोबाइल भी होल्ड कर सकते हैं, और पीछे कोई बैठा है तो वो मोबाइल में मूवी या फिर टैबलेट वगैरह भी इसमें फिट होता है। अच्छा स्ट्रेचेबल है, और जस्ट ये ऐसा फिट हो जाता है इसमें, बस ये फिट हो गया। और ये इसको आप ऐसा ऊपर करके इसमें आपका मोबाइल हैंग कर सकते हैं। तो ये एक 350 रुपीज़ का मारुति से मैंने इसको लिया है। फिर अभी नेक्स्ट एक आपको दिखाता हूँ, ये लोकल मार्केट से लिया है मैंने, डीमार्ट, जो आपको पता ही होगा। ये रिचार्जेबल, यूएसबी से रिचार्जेबल है ये, और बैटरी है इसके अंदर, क्योंकि इग्निस का जो डोर है उसमें नीचे आपको पेडल लैम्प बोलते हैं, वो पेडल लैम्प नहीं दिया हुआ है कि जब भी कब हम जब अंधेरे में उतरते हैं तो इधर लाइट नहीं होता है, तो इसलिए एक लाइट मैंने गाड़ी में रखा है, रिचार्जेबल लाइट है। एक बार रिचार्ज करने पे ये महीना 2 महीना आराम से चलता है, उसका बैटरी वगैरह उतना डाउन नहीं होता है, तो वो एक अच्छा है। एक आपको एक एसेसरीज और दिखाता हूँ, जो कि मैंने डीमार्ट से ही लिया हुआ है। ये जो सॉरी इसका प्राइस बताना मैं आपको भूल गया, जो रिचार्जेबल लाइट है उसका 200 रुपीज़ प्राइस है उसका, ठीक है। नेक्स्ट ये फ़ैन है, ये फ़ैन बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, डीमार्ट से ही लिया हुआ है ये, हमारे कोल्हापुर में घर के पास में डीमार्ट है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती है। ये सब मेड इन चाइना है, लेकिन अच्छा है, इसका क्वालिटी वगैरह अच्छा है और रिलायबल है, एकदम से ख़राब नहीं होते। अभी मैंने इसको 2 महीना हो गया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और अच्छा है। तो जब भी वाइफ कभी शॉपिंग के लिए जाती है बाहर, और हमें बहुत 15-20 मिनट या आधा घंटा बाहर रुकना पड़ता है, तो उतना देर तो गाड़ी चालू करके नहीं रख सकते। और ये जो गाड़ी के फ़ैन है, वो फ़ैन की हवा भी उतनी ऐसे फ्रेश नहीं लगती है, और उसके कारण कभी बैटरी भी डाउन हो सकती है। तो एक सेफ्टी के लिए ये मैंने फ़ैन लिया है। इसमें 3 मोड है, ये सबसे कम स्पीड में है, फिर ये मीडियम स्पीड है, और ये हाई स्पीड है। अभी इसका मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा आपको। मीडियम सॉरी आपका लो स्पीड में ये 4-5 घंटा चलता है, मीडियम में 3 से 4 घंटा, और हाई में 2 घंटा इतना है। और दूसरा है ये एलईडी का बटन, ऊपर में इसका लाइट है। तो एक छोटा सा फैन है, पोर्टेबल फैन है, और ये बंद हो गया। तो 450 का ये फैन है, जो कि मैंने डीमार्ट से लिया है, और जब भी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है तो ये बड़ा काम में आता है। और पीछे भी इसमें ये जो सीट का गैप है, जो मेरा पीछे बच्चा बैठता है, ये देखिए इसमें आराम से ऐसा फिट हो जाता है, तो वो उसको भी गर्मी नहीं होती है। तो ये सब एसेसरीज का वीडियो है जो कि मैंने लिखा है। एक और एसेसरीज बची है, वो इतनी सारी सब चीज़ें लिए है गाड़ी के लिए, इसलिए लिख लिया कौन सी मैंने चीज़ें लिया हुआ है। एक इग्निस के जो ये ग्लास है, इससे धूप बड़ी अंदर आती है, तो लोकल मार्केट से ही मैंने ये 250 के ये दो सनशेड लिए हुए हैं। इसको एक्चुअली इसको पुलिस इसको फाइन करती है, अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको पुलिस फाइन कर सकती है, लेकिन हाईवे में आप इसको थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब सिटी में वगैरह आप जाएंगे तो उसको निकाल देना, क्योंकि पुलिस शायद उसको फाइन करती है। फिल्मिंग इसलिए मैंने नहीं कराया हुआ है गाड़ी में, क्योंकि फिल्मिंग भी जो ऑथराइज फिल्मिंग यहाँ से होती है वो अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे है।
बाकी जो लोकल मार्केट में फिल्मिंग होती है उसका भी RTO के पुलिस जो है वो फाइन करते हैं, तो इसलिए मैंने वो सब चीज़ें नहीं किया हुआ है। लेकिन जब गाड़ी हाईवे में चलता है, धूप में चलता है, दोपहर के समय 2-3 बजे, तो बहुत गर्म होता है, इसलिए वो सनशेड मैंने लिया है 250 रुपीज़ के मार्केट से। तो ये था एसेसरीज का वीडियो, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।